पन्नी धरी है बांध धरी है कौन सी पन्नी नट बोल्ट की हाँ चलो भाई ले चलो आज ये थोड़ा अंदर बाड़े को सुखाएंगे मिट्टी को ऊपर नीचे करके इससे चलो भाई अंदर बाड़े को सुखा देंगे ऐसे मिट्टी को आगे खींच के फिर उल्टा ऊपर फैला के क्योंकि ऐसे तो धूप इतनी तेज निकल रही जो सूख जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे सूखने में तो इसलिए आज ऐसे करके मिट्टी को ऊपर नीचे करके सुखाएंगे आज बाड़े को जल्दी सूख जाएगा इससे ये अपनी बेला रही हेलो बेला चमकती है बिल्कुल ये अभी ऐसा पानी जमा हो रखा है अभी थोड़ी देर में देखना बिल्कुल पानी सूख जाएगा बिल्कुल पानी यहाँ से हटा देंगे अभी कार्य प्रगति पर है जैसी पूरा काम होता है वैसे फिर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो बिफोर एंड आफ्टर की ये तो मट्टी है क्यों ना ये थोड़ा वैसे ही ये कहाँ है बस बस आराम से बस लगवा मत लिया अपने भी कचना है पैर में दिक्कत होती है पेड़ के अंदर से भी थोड़ा इसको लेवल कर देंगे बाड़े को अंदर भी गीला हो रखा था धूप नहीं निकली तो सूखा नहीं ढंग से ये देखो अभी करते जा रहे हैं इसको लेवल भी हो जाएगा इससे और सूख भी जाएगा ये अपनी गौ माता है ये सारी पन्नियों ऊपर बांध देंगे क्योंकि नीचे रखी हैं तो गाय पकड़ी खींच देती है तो फाड़ देगी सारी की सारी पन्नी ऐसे वहाँ पे तो पीछे बांध दिया अभी तरकीब बांध देंगे आगे ही पूरी बांध देंगे ये अंदर की तरफ भी बड़ा लेवल किया जा रहा है क्योंकि ये गाय ना अपने पैरों से मिट्टी पीछे की तरफ फेंक देती है तो लेवल हो जाता है मतलब अब लेवल हो जाएगा ऐसे मिट्टी को एक सार कर देंगे तो आज चूना फैलाएंगे पूरे बाड़े के अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा सारा मर जाएगा इससे जो भी अपने डेयरी फार्मिंग वाले भाई मेरी वीडियो देखते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें कि चूना ज़रूर फैलाए अपने बाड़े के अंदर और चूना फैलाते वक्त अपने मुंह पे या मास्क पहन लो क्योंकि ये उड़ता है चूना तो फिर छींक भी ज़्यादा आएगी आपको ये
फैलाया जा रहा है चूना, सारे हिस्से में जाना चाहिए चूना, जहाँ जहाँ गाय जाती है हर जगह होना चाहिए चूना। ये अपने पूरे इधर के हिस्से में तो मार दिया है चूना, अभी इधर भी करेंगे चूने का इस्तेमाल। अभी इस तरफ चूना मार दिया है, देख रहे हो आप, तो अब इस तरफ गाय को बांध देंगे। अंदर जो बंद रखी थी गाय वो बाहर आ गई है, अब बाहर की तरफ बांध देंगे गाय को। चूना मारते ना थोड़ा उड़ता ज़्यादा ही है हवा में, तो मास्क पहन लेता हूँ मैं उस टाइम, क्योंकि फिर खांसी छींक ही गाती रहती है। गोड़ी इस तरफ भी मार देंगे, जो अपना अर्जुन है सामने खड़ा। इस अर्जुन की आज बेचैनी हो रही है, कह रहा मुझे खुला छोड़ दो। आ गए हैं बच्चे अपने, आ सारे बाड़े में दोबारा से चूना मार दिया है, अंदर का बाकी है अभी, अभी अंदर गया है वो मारने चूना अभी, क्योंकि अंदर ट्रैक्टर से एक बार लेवल किया जा रहा है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो एक सार करनी पड़ती है। अभी ये अंदर बच्चों के बाड़ों के अंदर मार रहा है चूना। ये रे भाई अपने टॉप क्लास गिर नस्ल के बच्चे, हाँ पीने दे। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, बस बस बस, अभी चल रहा है अंदर का काम लेवलिंग का। ये देखो यहाँ पे गीला था बीच में, यहाँ से सूख तो गया है क्योंकि मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया है ना, तो गीली मिट्टी मिक्स हो गई सूखी मिट्टी के साथ, तो सूख गया उससे, नहीं तो ऐसे धूप नहीं आती, शेड भी ऊपर तो सूखता नहीं है ढंग से, तो पूरे दिन गीला ही रहता है, ठंडक हो जाती है अंदर, इसलिए आज ये करना पड़ा हमें। अभी इस तरफ तो चूना मार रहे हैं, यहाँ पूरे में चूना लग जाएगा, अभी यहाँ पे भी चूना मारेंगे, थोड़ा ये बड़ी बड़ी काम हो जाए फिर वो करते हैं, यहाँ पे चूना गिरने का काम। गाय को खोल दिया उन्हें कमरे से, आ रही है धीरे धीरे बाहर, अभी फर्स्ट रूम की गाय बाहर आ रही है। पानी भी डाल निकल रही है भैया। क्या निकल रही है पानी में? गैया की डाल। अच्छा उतरेगी। ये देखो पता नहीं कौन सी गाय की जाड़ निकल गई पानी के अंदर, मिली अभी अभी भाई, ये कैसे टूट गई भाई, ये पता नहीं कौन सी गाय का दांत टूट गया, अभी पानी के अंदर से सफाई करी तब हमें मिला है, देखना पड़ेगा कौन सी गाय का ये। गाय आ चुकी है बाकी बाहर अपनी, अब अंदर का ही पूरा लेवल हो चुका है, सुखा दिया अंदर का ही बाड़ा, थोड़ी सी यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो रखी है, इसको भी अभी फैला देंगे। अरुण जा उधर बोल के अंकल को कि पानी बंद कर देंगे। अंदर भी अब चूना फैलाया जा रहा है, आई फैला देंगे पूरे में। आ गई है गाय दो तीन कमरों की बाहर,
पानी फुल हो चुका है, अभी मोटर को बंद करने के लिए भेज रखा लड़का, ये भी बंद करवा देगा। देख रहे छोटा सा बच्चा भी कितना प्रेम करता है गाय से। लिया इसको अंदर, ये अपनी दुर्गा है, सबसे पुरानी गाय है हमारी डेयरी फार्म में। ये पीले पानी पीले, चीख रही है गाय, ये चूना फैला रहे हैं ना तो थोड़ा इनका चीख आ जाती है इनको, ये बच्चे भी चीख रहे हैं। कोई नहीं, एक दो मिनट तक चीखेंगे फिर ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। गाय सारी बाहर बांध दी है और सूर्यदेव भी आज प्रकट हो चुके हैं, अभी थोड़े से बादल आ रखे सूर्यदेव के आगे, बट है आज मौसम ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है और धूप भी निकल रही थी अभी और दोबारा भी निकलेगी, चलते बादल है क्योंकि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आप सबको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया तो इस पर लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।